डाउट। जी हाँ, पी एन जंक्शन डाउट क्या है, किस तरह का सिंबल है, डाउट इक्वेशन क्या है, और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पढ़ा था, जो अब हमें आगे कॉन्फ़िगरेशन में रोल होने वाला है, यूज होने वाला है, दैट इज आइडियल डाउट कॉन्सेप्ट। जी हाँ, डाउट स्विच की तरह कैसे काम करता है, कब फॉरवर्ड बास है, शॉर्ट होगा, रिवर्स बास है, ओपन होगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं अपनी डाउट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और जहां पे हम सबसे पहला डाउट सर्किट पढ़ेंगे, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या वर्किंग है, व्हाट आर द डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, लाइक एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर, इन सभी फैक्टर्स की, इन सभी पैरामीटर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बिफोर रेक्टिफायर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे डिस्कस होता है, दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई डायग्राम। जी हाँ, व्हाट इज पावर सप्लाई डायग्राम, इट विल परफॉर्म एसी टू डीसी कन्वर्जन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 230 वोल्ट एसी सप्लाई है और आपको उसे डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज द डायग्राम, या यू कैन से दीज आर द कंपोनेंट्स जो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ व्हाट आर दीज कंपोनेंट, तो सबसे पहले यहां पे लगा है ट्रांसफार्मर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर, जी हाँ, ट्रांसफार्मर हमारी सप्लाई को डाउन करने का काम करता है, बिकॉज अगर आप ट्रांसफार्मर का फंक्शन देखेंगे तो दो कैटेगरी में ट्रांसफार्मर डिवाइड होता है, वन इज कॉल्ड स्टेप अप एंड वन इज कॉल्ड स्टेप डाउन। बट क्योंकि हाँ, मुझे डाउन करनी है, मुझे अपनी वोल्टेज को कम करना है, रिड्यूस करना है, दैट्स व्हाई आई यूज ओवर हियर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो दैट ये जो 230 वोल्ट सप्लाई हमारे पास आई है ये कन्वर्ट हो जाए अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट के अंदर, राइट। अब ये 9 वोल्ट जो कन्वर्ट होती है, दिस इज बेसिकली एसी। अब इस एसी को हम अप्लाई करते हैं द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड रेक्टिफायर, और ये रेक्टिफायर केवल और केवल डाउड बेस ही होता है, तो एक यहां पे डाउड ही लगा है, अभी हम आगे देखेंगे सर्किट के अंदर। तो ये रेक्टिफायर आपका परफॉर्म करेगा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम, राइट। सो रेक्टिफायर एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, दिस इज अ सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू इट्स इक्विवेलेंट डीसी सप्लाई, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो भी एक एसी सप्लाई होती है, और रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो भी इस तरह से ही शो होता है, लाइक दिस, दिस इज एन एसी सप्लाई और दिस इज एन आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो आप मुझे बोलोगे सर ये यहाँ तो सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो डैट मीन्स ये भी तो एसी ही है, तो ये डीसी कहाँ हुई। सो डीसी नहीं हुई, अगर मैं इसे डीसी नहीं बोलूंगा, इफ आई एम कॉल्ड इट एज अ एसी सप्लाई, सो फिर इसका ऑपरेशन ही खत्म हो गया, यानी रेक्टिफायर जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो बात ही खत्म हो गई कि एसी टू डीसी तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पे इसे एसी नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पे इसे बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, यानी कि एक डीसी सप्लाई जो कि पल्सेस कंटेन करती है, और इन पल्सेस को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, या जो कंपोनेंट हम यूज करते हैं, दैट इज कैपेसिटर और इंडक्टर, उस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं फिल्टरिंग। तो फिल्टर यहाँ पे इसलिए ही यूज होता है सो दैट हम अपने रेक्टिफायर के आउटपुट को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर सके, एंड वंस वी गेट दिस स्मूथ डीसी वैल्यू, यानी जब एक बार हमारे पास डीसी वोल्टेज मिल जाएगी, तो ये डीसी वोल्टेज फाइनली अप्लाई होती है रेगुलेटर के ऊपर। नाउ व्हाट इज दिस रेगुलेटर, दिस इज बेसिकली अ जेनर डायोड, और यू कैन से अ वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि आपका आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट सप्लाई चेंजेस। अगर इनपुट में चेंज भी हो रहे हैं तो भी उसे कॉन्स्टेंट रखेगा और आउटपुट साइड पे हमें आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट देगा। तो जेनर डायोड की बात हम आगे करेंगे, रेगुलेटर आपको पढ़ना है, बट यहां जो इस लेक्चर में हमें मेनली पढ़ना है, दैट इज अवर रेक्टिफायर पोर्शन। यहां हम रेक्टिफायर की बात करने वाले हैं, और मेन टॉपिक इज रेक्टिफायर, और जहां पे मैं बात करूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर की। जी हाँ, रेक्टिफायर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वन इज कॉल्ड हाफ वेव एंड वन इज कॉल्ड फुल वेव। तो अभी हम यहाँ पे इस लेक्चर में जो बात करेंगे, पहले हाफ वेव की, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज द सर्किट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जो एसी सप्लाई है दैट विल बी अप्लाइड इनटू योर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इस एसी सप्लाई को रिड्यूस करने का काम करता है, एंड देन दिस एसी सप्लाई विल पास थ्रू अ सिंपल डायोड, और यही डायोड सर्किट हमारा रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम डायोड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज एप्लीकेशन ऑफ योर डायोड। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, अब इसे नाम हाफ
वेव रेक्टिफायर क्यों दिया गया, उसके लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया दिस इज अ इनपुट सप्लाई, राइट, दिस इज अ इनपुट वोल्टेज सप्लाई जो यहाँ पे अप्लाई हुई है। उसके बाद ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है जो कि हमें केवल हाफ साइकिल के लिए ही मिल रहा है। हाफ साइकिल के लिए क्या हो गया, जीरो। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि एक ऐसा सर्किट है जो कि इनपुट साइकिल की हाफ साइकिल को ही रेक्टिफिकेशन कर रहा है। हाफ साइकिल को तो उसने जीरो कर दिया, अब ऐसा क्यों, तो वो इसकी वर्किंग में है। जैसे कि अभी हमने बोला कि जब हम ये सप्लाई यहां पे अप्लाई करेंगे तो सपोज वी आर इन द केस वन पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो व्हेन द इनपुट इज इन पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ये जो टर्मिनल ए है दिस टर्मिनल ए बिकम पॉजिटिव, राइट। अब अगर टर्मिनल ए पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड डी1 किस कंडीशन में जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स, जी हाँ ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। तो अगर ये शॉर्ट हो गया डैट मींस यहां से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड दिस वोल्टेज इज सिंपली कॉल्ड इक्वल टू दिस इनपुट सप्लाई। तो यहां पे जो आउटपुट वेवफॉर्म दिखाई गई है दिस इज इक्वल टू इनपुट सप्लाई, बिकॉज जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं अभी यहां पे केवल डायोड D1 लिखा है, सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं लिखा। जब सिलिकॉन जर्मेनियम लिखा हो तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होती है। नाउ इट इज एन आइडियल डायोड, अज्यूमिंग आइडियल डायोड, तो ये सिंपली शॉर्ट हो गया। तो जो भी वोल्टेज हमारे यहां पे थी VI, द सेम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो V0 आपके VI को फॉलो कर रहा है। बट वहीं पे अगर मैं केस 2 कंसीडर करता हूं व्हेन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस हो गया, हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। अब अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करूं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, दिस टर्मिनल ए बिकम्स नेगेटिव, राइट। अब अगर टर्मिनल ए नेगेटिव है तो ये डायोड इस कंडीशन में क्या जाएगा, जी हाँ दिस इज रिवर्स बायस, तो डायोड रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब है ओपन सर्किट, तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा वी गेट द जीरो आउटपुट वोल्टेज, राइट। सो इन दिस केस वी गेट द जीरो आउटपुट वोल्टेज, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये इनपुट साइकिल की हाफ साइकिल को रेक्टिफिकेशन कर रहा है, बट हाफ साइकिल के आउटपुट क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। वहीं पे जब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको फुल वेव बताऊंगा तो वही इसकी डिसएडवांटेज को वहां पे एडवांटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए कि पूरी की पूरी साइकिल रेक्टिफाई हो। यहां तो हाफ साइकिल तो एज इट इज निकल जा रही है, केवल हाफ ही साइकिल रेक्टिफाई हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर आपको वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो जस्ट ड्रॉ द सर्किट, जस्ट ड्रॉ द वेव फॉर्म, और ये दो केसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ में क्या पास ऑन हो रहा है और नेगेटिव हाफ में डायोड वर्क नहीं कर रहा, सो वी गॉट द आउटपुट जीरो वोल्टेज। नाउ आफ्टर वर्किंग जो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन यहां पे पुटअप हो सकता है, वो पुटअप हो सकता है हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। जी हाँ, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर। जैसे सबसे पहला पैरामीटर है यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। Now, what is this average value? So, average value is also defined as the DC value. जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ये rectifier AC को DC में convert करने का काम करता है। तो जो output side पे जो current है, that is basically called IDC, यानी I average. Average value को ही हम DC value बोल रहे हैं। और ये average value calculate कैसे कर रहे हैं? ये जो हमें output waveform मिली है, अब ये output waveform आपकी voltage भी हो सकती है। This output waveform is also for the current. राइट, आउटपुट वोल्टेज भी है, करंट भी है, दोनों ही केस में साइनसॉइडल मिलेगा। सेम इनपुट जो आपने साइनसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म दिखाई, यू कैन आल्सो राइट हियर कि IN इज इक्वल टू IM साइन ऑफ थीटा या VIN इज इक्वल टू VM साइन ऑफ थीटा। एंड आई होप ये चीज आपने अपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ी होगी कि आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नहीं पढ़ी है तो यहां पे देख लीजिए कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है VM साइन ऑफ थीटा, दैट VM इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड दिस इज द साइन कंपोनेंट, राइट। तो नाउ मैं यहां पे कैलकुलेट करना चाहता हूं एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो इस वेवफॉर्म से कैलकुलेट होगी। अब अगर हम वेवफॉर्म की बात करें तो टोटल साइकिल ड्यूरेशन क्या है, टोटल जो साइकिल का टाइम पीरियड है, अगर यहां से स्टार्ट होता है जीरो, ये होता है पाई और ये होता है 2π। After that, ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती है, राइट? तो अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म में भी देखें तो आउटपुट के अंदर ये हमारे पास 0 से पाई में वैल्यू मिल रही है, पाई से 2π में वैल्यू नहीं मिल रही है, उसके बाद वापस अपनी वेव को रिपीट करना शुरू कर देगा। सो मेरी एनालिसिस एक साइकिल के लिए होती है, तो मैं इतनी साइकिल के लिए अपनी एवरेज वैल्यू काउंट कर सकता हूं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, फॉर्मूला सेज 1/T 0 to t देन I ऑफ d थीटा, दिस इज द एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू करंट फॉर्मूला, वेयर t इज व्हाट,
टी इज द टोटल टाइम पीरियड। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 पाई, यानी कि टी की जगह क्या आ गया 2 पाई, एंड दिस इज रिटन एज 0 टू पाई। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये 0 से 2 पाई ही होगा, अल्टीमेटली तो 0 से 2 पाई आई डी थीटा होगा, बट 0 से 2 पाई की रेंज को आप ब्रेक करोगे 0 से पाई तक और फिर पाई से 2 पाई तक, तो जो पाई से 2 पाई वाली रेंज है दिस विल बी 0, दैट्स व्हाई आई हैव डायरेक्टली रिटन 0 टू टी स्टैंड्स फॉर 0 टू पाई आई डी थीटा, राइट। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया कि 1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई आई डी थीटा, और जैसे कि मैंने बोला करंट इज गिवन बाय आई एम साइन थीटा, तो करंट की वैल्यू को आपने यहां पे प्लेस कर देना है। अब यहां पे आई एम एक तरह से कांस्टेंट है, बाहर आ गया आई एम अपॉन 2 पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस ऑफ कॉस थीटा, 0 से पाई इसकी लिमिट है, जस्ट अप्लाई द लिमिट, सॉल्व द वैल्यू, यू विल गेट आई एम अपॉन पाई। दिस इज द डीसी वैल्यू, और यू कैन से एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली जो यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट किया था, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। जी हाँ, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। सो अब की बार आपका जो फॉर्मूला है आईआरएमएस का वैल्यू, दैट इज स्क्वायर वैल्यू, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें मीन करना है, तो दिस इज रूट मीन स्क्वायर। सो इस वैल्यू को हम बोल रहे हैं आईआरएमएस, एंड द फॉर्मूला इज अगेन द सेम थिंग, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू टी, मतलब 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी थीटा, राइट, और इसका होगा रूट, तो ये हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सेम चीज है, अब की बार फिर से टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे 2 पाई है, दिस टाइम पीरियड अगेन वही सेम चीज की 0 से 2 पाई तक जाएगा, बट 0 टू 2 पाई अकॉर्डिंग टू दिस वेव फॉर्म यहाँ पे ब्रेक होगा 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई वाला आपका पार्ट 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल 0 से पाई वाला पोर्शन। तो आई आर एम एस इज कैलकुलेटेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 पाई यानी 1 अपॉन टी 0 टू 2 पाई आई स्क्वायर डी थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज आई एम साइन स्क्वायर थीटा, आई एम साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई एम स्क्वायर बाहर कॉन्स्टेंट चला जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर आप वैल्यू भेज रहे हो, दिस बिकम क्या बन जाएगा आई स्क्वायर का अंडर रूट होके ये बन जाएगा आई स्क्वायर आई आई मैक्स, और ये है 2 पाई, तो जब ये बाहर जाएगा तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 पाई। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। इफ यू नो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिस इज रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, और ये जो 2 है ये भी आपका बाहर चला गया अंडर रूट ऑफ 2, तो ये यहां पे मेंशन है। तो वंस यू सॉल्व दिस लिमिट, सॉल्व द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे आपको यहां पे वैल्यू बनती है आई एम एक्स अपॉन 2 यानी आई एम बाई 2। तो RMS वैल्यू ऑफ द करंट IM by 2 और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज IM by pi, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, ड्राइव द RMS वैल्यू और द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर या इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। अब जब ये दो पैरामीटर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे IRMS और IDC, तो आपको ये वैल्यू याद भी रखनी है, क्यों, क्योंकि आगे के जो पैरामीटर्स हैं वो इन्हीं दो वैल्यू पे बेस्ड हैं। जैसे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर आता है यहाँ पे, दैट इज एफिशिएंसी, हाउ यू विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। और ये सब चीजें स्टैंडर्ड हैं, हम यहाँ पे कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, ऑल थिंग इज स्टैंडर्ड, हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सब कुछ स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है या एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऑल थिंग्स आर स्टैंडर्ड, राइट। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी भी स्टैंडर्ड ड्राइव होगी, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सेज इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, दैट मींस पावर डीसी डिवाइड बाय पावर एसी, क्योंकि हमने रेक्टिफायर पढ़ा है एसी टू डीसी कन्वर्जन, तो अगर एसी टू डीसी कन्वर्जन कर रहा है तो आउटपुट पे मेरे पास डीसी है, इनपुट पे मेरे पास एसी है, तो व्हाट इज द डीसी पावर आउटपुट, अब पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो आर जो है आउटपुट साइड पे वो है हमारा लोड रेजिस्टर दैट इज आरएल, जो करंट है वो है आईडीसी दैट इज डीसी करंट, तो पावर डीसी का फॉर्मूला बन जाता है आई स्क्वायर डीसी मल्टीप्लाई बाय आरएल। सिमिलरली जो इनपुट साइड है वो है हमारी एसी पावर, तो एसी पावर का यहां पे फॉर्मूला है आई स्क्वायर आरएमएस आरएफ प्लस आरएल, राइट, वेयर आरएफ इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे जो हमने डायग्राम यहां पे दिखाया था, तो दिस इज बेसिकली आरएल जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं, और दिस इज बेसिकली इनपुट पावर जो कि आपका दोनों रेजिस्टेंस को काउंट करिए कि इसके अक्रॉस रेजिस्टर आरएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये यहां पे आरएल है, ठीक है। सो ये आपका पावर आउटपुट और पावर इनपुट यानी पावर एसी और पावर डीसी के दो फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि अगर यहाँ न्यूमेरिकल पुटअप हो जाता है और आपको ये सारी वैल्यूज दे दी जाए तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डीसी पावर एंड व्हाट इज द एसी पावर, राइट, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं।
चलिए फिलहाल अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। सो एफिशिएंसी में पावर डीसी डिवाइड बाय पावर एसी चाहिए, दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ गए। इन दोनों फॉर्मूलों को केवल यहां पे पुट कर दिया तो इट इज नॉट बाय ईटा, एफिशिएंसी नॉट बाय ईटा। सो ईटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर डीसी आरएल डिवाइड बाय आई स्क्वायर आरएमएस आरएफ प्लस आरएल। अब अगर आप यहां रेजिस्टेंस का पार्ट देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस अल्टीमेटली नेग्लेक्ट ही हो जाना है। कैसे? आरएफ बहुत छोटा है, RF क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू RL, दिस इज अ लोड रेजिस्टर। तो बेसिकली यहां से RF रिमूव हो जाएगा एज कम्पेयर टू RL, तो RL से RL कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी है वो इन दो करंट वैल्यू पे ही डिपेंड करने वाली है जो हमने कैलकुलेट करी है, व्हाट इज द DC वैल्यू एंड व्हाट इज द RMS वैल्यू। एंड वंस आई पुट द वैल्यू ऑफ DC तो ये था IM अपॉन पाई होल स्क्वायर और ये हो गया IM अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट पुट द वैल्यू तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 अपॉन पाई स्क्वायर एंड 4 अपॉन पाई स्क्वायर से इज 40.6%। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या है? 40.6%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल और केवल 40% एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, रिमेनिंग तो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। सो जो हमारा रेक्टिफिकेशन है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है वो तो इसकी एफिशिएंसी इतनी कम है, तो यानी कि ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है, राइट? तो अगर आपको एफिशिएंसी सेपरेटली ड्राइव करने के लिए आती है कि ड्राइव द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, सो एफिशिएंसी के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्राइव दिस आईडीसी एंड आईआरएमएस करंट, क्योंकि एफिशिएंसी में अगर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख के वैल्यू पुट कर देंगे सो आई थिंक आप पे वेटेज ही नहीं बनेगी क्वेश्चन की। बट अगर हाँ दो मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है तब आप भले ही डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के बाई पार्ट्स में आता है तब आप उस केस में यहाँ पे आईडीसी आईआरएमएस को पहले ड्राइव कीजिए, उसके बाद एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वो इन्हीं दो वैल्यूज पे बेस्ड हैं, जैसे कि एफिशिएंसी भी इन्हीं दो वैल्यूज से निकली है। द नेक्स्ट पैरामीटर्स आर फॉर्म फैक्टर। फर्स्ट वन इज फॉर्म फैक्टर, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज आईएम बाय 2, दैट इज आईआरएमएस, एंड एवरेज वैल्यू इज आईडीसी आईएम बाय पाई। सो जस्ट पुट द वैल्यू वी गॉट द फॉर्म फैक्टर पाई बाय 2, दैट इज 1.57। द नेक्स्ट फैक्टर इज पीक फैक्टर। पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू। सो पीक वैल्यू मुझे पता है, पीक वैल्यू इज आईएम, आरएमएस वैल्यू इज आईएम बाय 2, तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी वी गॉट द आंसर 2, दैट इज द पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एफिशिएंसी, ऑल आर डिपेंड्स ऑन योर आईडीसी एंड आईआरएमएस वैल्यू। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द रिपल फैक्टर। और ये रिपल फैक्टर अभी जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें पूरा 5 मार्क्स में ड्राइव करने के लिए आया था कि रिपल फैक्टर ड्राइव कीजिए फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। सो व्हाट इज दिस रिपल फैक्टर? तो रिपल फैक्टर डिफाइन करता है द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज नोन एज रिपल फैक्टर। बेसिकली हम बोल रहे हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। बट क्या रेक्टिफायर पूरी तरह से जो आउटपुट मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है? नहीं, आउटपुट डीसी नहीं मिल रहा ना, आउटपुट क्या मिल रहा है? एसी प्लस डीसी। तो यहीं से हम रिपल फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, इस आउटपुट साइड पे जो एसी कंपोनेंट मिल रही है उसकी आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाय आउटपुट साइड पे जो हमें डीसी कंपोनेंट मिल रहा है उसकी वैल्यू, इसके रेशियो को बोला जाता है रिपल फैक्टर। तो दैट मींस द रेशियो बिकम्स आई एसी डिवाइड बाय आईडीसी। अब IDC तो मेरे लिए नोन है, IDC तो हमने कैलकुलेट करी, बट व्हाट इज IAC? RMS वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी वो तो हमने इनपुट साइड पे कैलकुलेट किया, दैट इज IRMS, लेकिन यहाँ पे हमें आउटपुट साइड पे जो AC पास हो रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए रिलेशन होता है IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डीसी प्लस आई स्क्वायर एसी। जी हाँ, ये जो हमने रूट स्क्वायर मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करी है, ये दोनों करंट का समेशन होता है कि डीसी कंपोनेंट प्लस एसी कंपोनेंट का मीन वैल्यू, राइट? अब यहां पे मुझे तो केवल इस एसी कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करूं, इस इक्वेशन को मॉडिफाइड कैसे किया, जस्ट डिवाइड बाय आईडीसी बोथ द साइड्स। तो अगर हमने आईडीसी से डिवाइड कर दिया तो आईआरएमएस डिवाइड बाय आईडीसी हो गया, और अगर मैं यहां पे भी आईडीसी से डिवाइड करूंगा तो अगर इसे अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो ये आई स्क्वायर डीसी बनेगा। तो आई स्क्वायर डीसी प्लस आई स्क्वायर एसी डिवाइड बाय आई स्क्वायर डीसी, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर एसी डिवाइड बाय आई स्क्वायर डीसी। और अगर इस अंडर रूट को हटा दें तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया आई स्क्वायर आरएमएस डिवाइड बाय आई स्क्वायर डीसी इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर एसी डिवाइड बाय आई स्क्वायर डीसी।
नाउ हमें कैलकुलेट करना था रिपल फैक्टर, और रिपल फैक्टर फॉर्मूला कैलकुलेट होता है IAC डिवाइड बाय IDC से। तो अगर मैं बोलूं आपको इस रिलेशन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IAC बाय IDC, जी हाँ ये 1 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और IAC बाय IDC वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे का हो जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय आई स्क्वायर डी सी माइनस 1, दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला फॉर योर रिपल फैक्टर। अब अगर आपको रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, बट मैंने आपको पहले यह दिखाया कि रिपल फैक्टर फॉर्मूला आया कहां से है। बेसिक डेफिनेशन से ये IAC by IDC है, बट इस IAC by IDC की वैल्यू, ये वैल्यू कैसे बनी? बाय यूजिंग दिस रिलेशन, राइट। अब जब ये रिलेशन आप लगा देंगे तो उसके बाद बहुत सिंपल है कि IRMS मुझे पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS वी हैव डिराइव्ड, वी हैव डिराइव्ड IRMS इज इक्वल टू IM by 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IDC वी हैव डिराइव्ड, दैट इज IM by pi, तो जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, दिस सेज IM by 2 डिवाइडेड बाय IM by pi होल स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट। इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट ट्रिपल फैक्टर इज इक्वल टू 1.21. So this is the way how you will calculate the different parameter based on only these two value. इसलिए मैंने आपको जब ये value derive हुई थी तो बोला था कि ये value आपको याद भी होनी चाहिए। अब अगर मैं इन शॉर्ट समरी करूं तो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मैंने लिख दिए हैं जो हमने हाफ वेव के लिए ड्राइव किए हैं, व्हाट इज द रिपल फैक्टर, व्हाट इज द पीक फैक्टर, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। वंस यू नो दीज टू वैल्यूज तो हम फॉर्म फैक्टर हो, पीक फैक्टर हो, रिपल फैक्टर हो या एफिशिएंसी हो, सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। वन थिंग जो मैंने यहाँ पे नहीं अब तक बात करी है, दैट इज व्हाट, दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज। अब व्हाट इज दिस पीक इनवर्स वोल्टेज, जी हमने डाउड में पढ़ा था कि जब रिवर्स बास में हम रिवर्स वोल्टेज लगाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां के बाद डाउड क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, यानी डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हमने वहां पे बोला था मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यही वो पीक इनवर्स वोल्टेज है कि हमारा डायोड कितनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को हैंडल कर सकता है, कितनी पीक रिवर्स वोल्टेज हैंडल कर सकता है हमारा डायोड, उसी को हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। और अगर आप इस हाफ वेव रेक्टिफायर में देखेंगे तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो हमारा डायोड हैंडल करता है, दैट इज ओनली वी इनपुट, राइट। अगर आपने डायग्राम याद हो, मैं वापस डायग्राम की तरफ आपको दे जाता हूं, तो डायग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा था, दिस इज द डायग्राम जिसके अंदर जब यहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम इनपुट कितना आएगा, मैक्सिमम इनपुट आएगा वी इनपुट। तो मैक्सिमम कितनी रिवर्स वोल्टेज इस डायोड पे अप्लाई हो रही है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो रही है वी इनपुट, दैट्स व्हाई द पीआईवी ऑफ दिस डायोड इज वी इनपुट, राइट। सो ये मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज का। सो विद दिस मैं इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूं। इस लेक्चर के बाद आप हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर आए आप उसे ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास कोई भी पैरामीटर पूछ लिया जाए। जैसे लास्ट के पेपर में आपसे रिपल फैक्टर का डेरिवेशन आया हुआ है, तो नाउ यू कैन इजिली ड्राइव द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। अब इसी सिमिलर मैनर पे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर बात करेंगे कि यहां जो हमने पढ़ा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इतनी कम है तो उसे किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं इन दिस फुल वेव रेक्टिफायर, वो सब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।